नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शारदा ट्रेवल्स की बस पुलिया से अनियंत्रित होकर सूखी नदी में गिर गई। इस बीच ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पर बस में करीब 50 से 60 लोग सवार थे। हादसा करीब 8:30 से 9 बजे मंगलवार अल सुबह हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। डोंगर गांव और लोनारा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, सभी को बाहर निकाला। ये खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से निकल कर आ रही है। फिलहाल SDM का कहना है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, इस दौरान ये हादसा सामने आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए हैं। लगभग 22 की मृत्यु होना सामने आ रहा है, 30 से ज्यादा के हालात ठीक नहीं है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि खरगोन से इंदौर जा रही थी बस बेजापुर से इंदौर पहुंची थी, तेज रफ्तार होने के चलते रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इस बीच यह हादसा सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी हुई है। SDM का कहना है कि घटनाक्रम जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊनू थाना क्षेत्र के डोंगर गाँव के समीप हुआ है, जाँच की जा रही है। तो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।